अमित शाह जी नूं बेनती करूंगा क्योंकि आपां बैठे इस कार्ज लई सी, भावें मैं बाद भी बोल सकता सी, तुहानूं चिट्ठियां भी पाईआं, कोई समां नहीं मिल सकिया, ना इहदे कोई विवाद दी अज गल नहीं। आ मैं एक छोटी जिही चिट्ठी तुहानूं दे दूंगा, इह कृपा करके जरूर गौर करिओ। सब तों पहलां उहनां दा सी कि मैं ता जिंदगी विच कदे कांग्रेस दे नाल समझौता नहीं कीता, मैं कांग्रेस दे हमेशा ही खिलाफ रहा। इस करके खिलाफ नहीं रहा कि मैनू कोई जाति सी, सिर्फ जमाती तौर पर, क्योंकि पंथ के उत्ते बड़े हमले होंदे रहे, मैं कांग्रेस के नाल हमेशा ही भिड़दा रहा और उही उन्हें अंत तक अपने जीवन का एक बड़ा सिद्धांत लक्षित किया। दूसरा जिहड़ा साडे विच अज अलोप हो गया वह सिद्धांत सी निम्रता का सिद्धांत, कि ठंडे तो ठंडा, छोटे तो छोटा, बड़े तो बड़ा वर्कर आ गया। काका जी, सरदार जी ते सरदार साहब कह के मुखातब होना कदे उन्होंने गुस्से च नहीं सी। तुसी देखिया इहो वड्डा कारण सी कि ठरमे दे नाल अज सारा मुल्क उन्हां दी वदायगी नूं जिहड़ा उहदा अहसास कर रहा। मैं एक हड बीती हुशियारपुर दी दसणी चाहुंदा, शायद साडे काम आ जाए। साडे उत्थे लीडर साहिबान इकत्तर हो के सी एम रेजिडेंस ते आए, ते जिसले आए उत्थे कुछ तत्तियां फिक्कियां गल्लां होईयां। उह कहिंदे यारो मेरी गल सुणो, 92 ट्रैफिक चलाया करो, कोई एक्सीडेंट नहीं हुंदा। असीं सारे हैरान हो गए कि 92 एक्सीडेंट किहड़ा होया। फिर असीं कहा जी हुण दस भी दिओ, कहिंदे 2-way ट्रैफिक जिले चलाउंदे आ उसले कलूजन हुंदा। इत्थों जिहड़ी गल सुणो इत्थे लै जाओ, इत्थों इत्थे लियाओगे तां फिर नुकसान होगा। असीं मिंटां चों गल समझ गए कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल तिन्हां दा हिरदा किहड़ा वड्डा सी, जिहड़े समुंदर नूं संभो के बैठे सी, छोटे तो छोटे वर्कर नाल मोह ते बड़े तो बड़े दे नाल प्यार बंटते रहे। मैं थोड़ा समा तां पहला लै लिया, भावें अज दा इह विशा नहीं, पर सरदार प्रकाश सिंह जी बादल चेते करो जिहड़े उन्होंने हामी आ 1997 दे विच, शायद उदों बड़ा अकाली दल का जोर सी, पर अकले बादल साहब सी जिन्हां ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी नाल समझौता रखना। और इत्थे आपां 1997 तो लैके 2002 तक सरकार चलाई, और उन्हां दी ये इच्छा सी। मैं क्योंकि सत्कारयोग होम मिनिस्टर इंडिया दे श्री अमित शाह जी बैठे आ, सुभागा समा कई बार मिलता कई बार नहीं मिलता, सरदार प्रकाश सिंह बादल होना दी ये इच्छा सी कि मेरे जीवदे जी आ जिहड़े बंदी सिंह साढ़े बैठे आ 1984 तो बाद वाले, उन्हां दी जरूर रिहाई का रास्ता पदरा किया जाए। मैं थानू निम्रता सहित बेनती करदा कि भावें आपां शरदा दे फुल भेट कर रहे हैं, पर उन्हां दी ये इच्छा भी सी जिहड़ी 1912 तो थोड़े नाल रल के शुरू भी की, कुछ उन्हां दे विचों बूर भी पिया पर कुछ रह गए। कृपा करियो, थोड़े कोल गुरु ने हुण बख्शिश की आ, ये पंजाब दा वड्डा दुखांत जिहड़ा बलियू स्टार तो शुरू होया अज तक लोगों के हिरदियां दे विच रड़क रहा, उस दे विच सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की यह चाहना सी कि मेरे जीवदे जी ये जिहड़ा कार्ज आ ये भी पंथ का फतेह होवे। सो गुरु साहब कृपा करन, तुहानू समर्था बख्शिश करन, भावें अज का विशा नहीं, पर मैं जिदन 1.5 घंटा उन्होंने बैठ के विचारां कीतियां उहदे विचों एक ये भी सी। सो कृपा करियो, उस बिछड़ी जिहड़ी साडी रूह, जिस रूह ने हमेशा पंजाब का भला लद्दिया, जिस रूह ने हमेशा ही चाहे राजनीतिक जीवन सी चाहे धार्मिक जीवन सी, हर एक जीवन से सफल जीवन जी के गए आ, ऑलराउंडर शख्सियत सन जिन्हों अज सारा मुल्क चेते करता। मैं थानू निम्रता साहब जिथे गुरु चरणों के अरदास करदा, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, देखो मैनू कहिंदे भई काका कुछ मेरे तो गुण वध भी आ उन्हां दे विच, ओ मैं इन्हां नूं दसणे नहीं, क्योंकि जिले गुण प्यारे लगन लग पैण फिर बंदा कई बार पिछे नूं मुड़दा। ते मैं इको बेनती करदा गुरु साहब जी सानू सारियां नूं, ते चेचे तौर ते सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जेडे गुण घट सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने धारण किए सी, ओ गुणा नूं धारण करके इस पंजाब दा उजला भविख मुड़ इस लीहां ते लियाउण, इहो शरदा दे फुल उस बिछड़ी रूह नूं। और मैं अंत दे विच अमित शाह जी नूं बेनती करूंगा, क्योंकि आपां बैठे इस कार्ज लई सी, भावें मैं बाद भी बोल सकता सी, तुहानूं चिट्ठियां भी पाईआं, कोई समां नहीं मिल सकिया, ना इहदे कोई विवाद दी अज गल नहीं। आ मैं एक छोटी जिही चिट्ठी तुहानूं दे दूंगा, ये कृपा करके जरूर गौर करियो।